मेरे तक लेके आए और मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ के समझ गया कि ये नोटिस क्या है। पहले वागले स्टेट थाना में मैकेनिकल इंडस्ट्रीज चलते, तभी उनको वर्कर्स की जरूरत थी। धीरे धीरे 5 साल पहले सभी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज बंद होकर चले गए। आप लोग में से 50% लोग इसी इंडस्ट्रीज में, इसी MIDC में काम करने वाले लोग। IT इंडस्ट्रीज का इंडिया में आना, तरक्की हो रही है इंडिया, बहुत अच्छी बात है। और आज IT इंडस्ट्रीज को वागले स्टेट इस जगह पे अपना IT इंडस्ट्री चालू करना, उसके लिए लगते हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉल सेंटर, मार्केटिंग वाले, तो उनको आप लोगों का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए आप लोगों को ये नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का हम विरोध करते हैं और निषेध करते हैं, और जो इनका मंसूब है वो कभी पूरा होने नहीं देगा। जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो यहाँ के नेताओं का चल रहा है, जो आपके मदद के लिए आए नहीं, वो आपके वोट चाहते हैं। वोट मिलने के बाद 5 साल बाद फिर से आएगी। कोई भी नेता जब ये बंदे मेरे पास आए, उससे पहले वो लोग हर पार्टी के ऑफिस में गए, सब जगह बताया कि ये लोग गरीब है, इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, नोटिस दिया है, 1 तारीख का डेडलाइन दिया। कहाँ गए नेता लोग? आपके क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता? आप लोग से वोट लेते हैं, आप लोग के मिले हुए वोट से बंगला बनाते हैं, यहाँ पे स्कूल चलाते, कॉलेज का परमिशन लेते, पेट्रोल पंप चलाते, मगर आप लोग का घर जब टूटता तब कोई नहीं आ सकता। ऐसे नेताओं को अगले 5 साल में आपको उखाड़ के फेंकना चाहिए। हमारा एक सामाजिक संस्था है, NGO है, एकता दी पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी। हमारा इलेक्शन लड़ने का कोई ये नहीं, और ये इलेक्शन के पहले का रैली भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी पूरी मुंबई की टीम, पूरी थाने की टीम आपके साथ आज यहाँ पे खड़े, और ये जब तक खड़े रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, आप लोगों को आपका हक का मकान नहीं मिल जाता। परसों में आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, 88 लोग है यहाँ पे। MIDC ने नोटिस भेजा है कि ये लोग इल्लीगल है। क्या समझते हो कि आप इल्लीगल हो? तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं कि MIDC झूठ बोल रहे MIDC? आप लोग सब लोग 2000 से पहले के हो, तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? खुद तो मनसूबा होगा, खुद तो पैसा कमाने का प्लानिंग है इनके दिमाग में। जब मुंबई के झोपड़पट्टियों को संरक्षण देते हो, 95 के झोपड़पट्टी के जितने भी लोग हैं, वो गवर्नमेंट लैंड हो, कलेक्टर लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, आप उनको 269 स्क्वायर फीट का पक्का मकान बना के देते हो, तो आप लोग पे अन्याय क्यों हो रहा है? क्या आप तैयार हैं इस अन्याय सहने के लिए? नहीं। विरोध करेंगे मेरे साथ? हाँ। लड़ोगे? हाँ। काहे कुछ भी मुश्किल आ जाए आप लड़ने को तैयार है? तैयार है। एक बार बनता है, आपके नेताओं ने उसी दिन मुझे बताया था, इस जगह के लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने, कि 1 तारीख को जब बुलडोजर चलेगा तो हम लोग आएंगे। मेरे को बोलते हैं फोन पे, राकेश हम क्या करेंगे? 1 तारीख को आएंगे, पुलिस 2 लाठी मारेगी, खाएंगे। क्या ये आप लोगों के साथ अन्याय नहीं है? जब एक मुंबई जैसे शहर में एक कानून चलता है, थाना में अलग कानून क्यों? आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? आप लोगों को
संगठित होना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि बाबा मेरे पास जब डॉक्यूमेंट है, मैं 2000 के बाद जो भी चोपड़ा है उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र के जीआर में लिखा हुआ है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही लोगों को घर मांग रहा हूँ जिसको गवर्नमेंट के जीआर में लिखा है कि इनको घर दे सकते हैं। तो फिर आपका कागज पत्र क्यों नहीं देखा जा रहा है? आप लोगों को क्यों बुलाया नहीं गया? नोटिस क्यों डाल दिया आप लोग को? आप लोग सबको मेरा यही कहना है, अपना अपना कागज पत्र तैयार रखिए। अभी मैं अंदर जाऊंगा, महाजन और शिव सागर दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, दोनों से मुलाकात करूंगा। मेरी मांग बहुत साफ है, अगर आप लोगों को उसमें विरोध है तो मुझे अभी बताइए क्या है। जो भी लोग 95-2000 के पहले के हैं, उनके लिए यहाँ पे घर देना चाहिए और ताना भी ही चाहिए हमको। जो 95-2000 तक के जो लोग हैं, उनका कागज पत्र दिया देखा जाए, मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है कि इनको संरक्षण दिया जाए और एक भी झोपड़ा तब तक तोड़ा नहीं जाए जब तक उच्च न्यायालय का डिसीजन नहीं आ जाता। जब तक वो डिसीजन नहीं आता तब तक एक भी झोपड़पट्टी को यहाँ पे हाथ नहीं लगाया जाए और 95 के पहले जितने भी है उनको घर के बदले घर 269 स्क्वायर फीट कार्पेट थाना शहर में। हमारा काम इधर है, व्यवसाय इधर है, तुम हम लोग को कल्याण के बाजू भेज दोगे या डुम्बली के बाजू भेज दोगे नहीं चलेगा। उतना प्रवास के लिए नया काम ढूंढना इतना आसान बात नहीं है, जो भी देना है इसी जगह पे देना पड़ेगा। आपको आईटी इंडस्ट्री बनाओ, हमको तरक्की से कोई विरोध नहीं है, आप बनाओ जो बनाना है बनाओ, मगर हम यहाँ से 25-30 साल से यहाँ पे रहते, हमें घर यहीं पे मिलना चाहिए और ये हम लास्ट तक मांग करेंगे। और आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अंदर जा रहा हूँ शांति बनाए रखिए, पूरा मुहिम शांति से होना चाहिए। सब यहाँ पे हम जो भी अधिकारी है, अभी उन्होंने क्यों नोटिस भेजा आप लोग, वो पूरा मैं उनसे पूछने वाला हूँ। जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कोई जरूरत नहीं था आपको नोटिस भेजने का। इसके आगे आप लोग सब शांत बनाए रखिए, हम लोग का एक प्रतिमंडल अंदर जाएगा, उनको मिलेगा प्लस 5 लोगों का इलेक्ट्रिक सिटी बिल, रेशन कार्ड किधर भी जमा है तो आप लोग मंगा के लीजिए। मैं 6 महीने की मांग करूंगा, उसके बीच में आपको वो जमा करना पड़ेगा और यही मांग कर रहा हूँ। आप 15 दिन में हमको बोलोगे कि ये कागज दो, वो कागज दो, हमारे पास अवेलेबल नहीं। हमको क्या सपना नहीं आया था तुम लोग किससे क्या डीलिंग कर रहे हो और क्या करने वाले? हमें 6 महीना दिया जाए सब कागज पत्र लेके आने का और आपको सबमिट करने का। दूसरी चीज, ये पहली मुहिम है, ये मत सोचो कि मैं अंदर गया और आपका काम हो गया। मैं किसी को भी झूठा दिलासा नहीं दूंगा, कितने बार आना पड़े अपन यहाँ पे आएंगे, इनके खिलाफ मोर्चा लेंगे, नहीं सुनेंगे मंत्रालय के सामने जाके धरना देंगे, नहीं सुनोगे मुख्यमंत्री के सामने जाके। आप लोग कृपा जो जहाँ पे है शांति बनाए रखिए, बैठे रहिए, हमारा 5 मेंबर का डेलीगेशन अंदर जाके मिलकर आएगा, उसके बाद क्या बातचीत होता है आप लोग को बताया जाएगा। राकेश जी नाव घेतलं त्यांना आपण विचार।